नमस्कार, आपका स्वागत है राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मासिक बैठक में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद में किसानों को पैसे समय पर मिलने पर धन्यवाद अदा किया और साथ ही गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर 15 दिन का समय देते हुए अगर गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं होती तो प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय स्थित नहर कॉलोनी परिसर में मासिक बैठक में शामिल होने आए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद अदा करते हैं और कहा कि इस बार धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त की बात जो कही गई है वो निराधार है। 15 दिन का समय उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को देते हुए कहा कि अगर गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के किसान महापंचायत करने को मजबूर होगा। तो इस साल की क्या, इस बार मैं महाराज जी को धन्यवाद दूंगा, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने एक नई व्यवस्था दी कि 48 घंटे के अंदर धान का पैसा किसान के खाते में जाएगा और संभवतः धान खरीद शुरू हो गई होगी और पेमेंट भी आना कहीं ना कहीं शुरू हो गए, पेमेंट भी आना शुरू हो गया है। तो इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद है। जो चीज़ें सरकार की अच्छी उनमें हम सरकार के साथ हैं और जो सरकार के किसान विरोधी चीज़ें उनके हम विरोधी भी हैं। तो 48 घंटे में पैसा पेमेंट मिल रहा है और पैसा बहुत से केंद्रों का किसानों के खाते में पहुंच भी गया, तो चीज़ें है। और हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे प्रदेश में पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खाद ने भी, धान खरीद ने भी और जो भी अन्न पशुओं का भी बड़ा मुद्दा है किसानों के सामने, उसमें भी हम लोग बराबर सरकार से, अभी APC साहब से मेरी चर्चा हुई थी जो कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश के हैं यही अन्न पशुओं पर, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम हर ब्लॉक में एक बड़ा 4,000 से 5,000 के बीच में एक गौशाला हर ब्लॉक में खुलेगा, उसके कई जगह आर्डर भी आ चुके हैं और अपने यहाँ भी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर चाचा शिवपाल सिंह के विधानसभा जसवंत नगर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बार फिर से एक मंच पर सपा परिवार दिखाई दिए। कार्यक्रम की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह और उनके पुत्र आदित्य यादव को मिली थी। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में किसी चुनावी कार्यक्रम में पहली बार सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। वही मंच पर मौजूद रहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव, चाचा शिवपाल ने मंच से जसवंत नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ना है और साथ ही बहू डिंपल को भारी मतों से जिताना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और वही मंच से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपकी ही वजह से यहां की जनता से मिलने का मौका मिला है। GRP गाजियाबाद की टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक अनुज मलिक के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म नंबर 3/4 पर अलीगढ़ साइड बने फ्लाईओवर के पास रेलवे स्टेशन गाजियाबाद क्षेत्र थाना GRP गाजियाबाद से 3 नफर अभियुक्त फूल सिंह, शैलेंद्र कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों ही सांसी गैंग के सदस्य हैं। इनके कब्जे से चोरी किए गए बरामद गहने हुए हैं और साथ में जिसमें 2 जोड़ी कंगन, हार, अंगूठी और साथ ही चेन, झुमके सहित कान की बालियां भी बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 11,72,000 रुपए बताई गई है। तीनों अभियुक्त तो बड़ी ही चालाकी से घटना को अंजाम दिया करते थे। पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और आसपास के स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़कर मौका देखकर यात्रियों को टारगेट बनाकर उनके बैग की चेन खोलकर ज्वेलरी, रुपए और अन्य कीमती सामान ले लिया करते थे। तीनों अभियुक्तों को मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा चुका है। गाजियाबाद GRP इंस्पेक्टर और RPF हमारे इंस्पेक्टर गाजियाबाद और क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम गठित थी, क्योंकि हमारे यहाँ गाजियाबाद काफ़ी दिनों से कुछ प्रभावित चल रहा था जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं चोरी की हो गई थी ट्रेनों में, जिसमें मई से लेके 1 अगस्त की और सितंबर की घटना थी जिसमें लगभग 16,67,000 का सामान चला गया था। और इसमें आज इंस्पेक्टर गाजियाबाद GRP और RPF के नेतृत्व में इन घटनाओं का अनावरण हुआ है, जिसमें सांसी गैंग के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से लगभग 11,72,000 का सामान बरामद हुआ है, जिसमें सब सोने के सामान हैं अलग अलग, जिसमें हार जो है 1, कंगन 2 जोड़ी, चेन 6, अंगूठी 6, कान की झुमकी 1 जोड़ी, मंगलसूत्र 1,
कान की बाली एक जोड़ी और कैश जो है 15,000 रुपए बरामद हुआ है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां नवीन मंडी में स्थित खाद्य विभाग के क्रय केंद्र पर एक महिला कृषक नीलू सिंह ग्राम मुरारी की 53-20 क्विंटल धान की दौलत में जनपद में खरीदी प्रारंभ हुआ। वही केंद्र प्रभारी द्वारा कृषक का स्वागत किया गया, केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया। चंदौली जिलाधिकारी ईशा दोहन ने बताया कि किसानों के किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका निरीक्षण लगातार नोडल अधिकारी करते रहे, कहीं से भी कहीं किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। धान क्रय केंद्र हमारा जो है वहाँ मौजूद है और यहाँ पे मैंने सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उपयोगी बोरों की क्या उपलब्धता है, गोदाम की क्षमता क्या है, क्या वेइंग मशीन है आपका, कांटा है इलेक्ट्रॉनिक या नहीं है, नमी वापक यंत्र की क्या स्थिति है, अन्य क्या सुविधाएं की गई है किसानों के लिए, पानी की इत्यादि व्यवस्थाएं, तो सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बताया गया है कि लगभग 107 किसानों ने अभी तक टोकन लिया है, तो टोकन के लिए भी हम सब किसानों से बात करेंगे कब अपनी जो फसल वो लेकर के आएंगे। सारी सुविधाएं इस बार जनपद में उपलब्ध कराई जा रही हैं किसानों के लिए और क्रय में कोई भी जो है कोताही नहीं बरती जा रही है। नवीन मंडी का भी मैंने कल निरीक्षण किया था, वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी है और लघु और सीमांत किसानों के लिए भी एक दिन निर्धारित करके विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 10 कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई प्रेस वार्ता में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश बाबूलाल जीत द्वारा प्रेस वार्ता की गई। 22 प्रदेशों में हो रहे टॉप 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संचालन हुआ। आयुर्वेद से जुड़ी डेली बेसिस दवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। लखनऊ के टॉप 10 प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां 2019 में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में नियुक्ति पत्र न दिए जाने से बढ़ रही मायूसी और आक्रोश, आज कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने सचिव से वार्तालाप कर समस्या के जल्द निस्तारण किए जाने की मांग की और कुछ अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात कर अपनी 3 वर्ष से लंबित नियुक्ति के बारे में ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत कराया, लेकिन सरकार और शासन से कोई स्पष्ट जवाब न मिल सका, जिस कारण अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश नजर आया। मीडिया से बात करते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार को यह संदेश दिया कि अगर हमारी समस्या का जल्द कोई निस्तारण नहीं होता है तो आगामी दिनों में हम अभ्यर्थी व्यापक धरना देने के लिए बाध्य होंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसके पीछे हम लोगों के कई वर्ष बर्बाद हो गए हैं और सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, आयोग की जो गलत फैसले थे, उनकी वजह से हम लोगों की जो भर्ती है होम्योपैथी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2019 से लेकर के अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अंतिम चरण में भर्ती होने के बावजूद भी 10% EWS आरक्षण के मामले को कोर्ट में फंसाने के बावजूद बाकी के जो 90% है उन पर ना ही सरकार कोई हस्तक्षेप कर रही है और ना ही आयोग हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की मंशा में है। अभी तक आप कहां कहां जा चुके हैं? शामली में 4 दिन पहले अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के आवास में हुई चोरी की घटना का SOG सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 2 सगे भाइयों सहित 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान नाले से क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में BCOM का छात्र घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एडिशनल SP शामली OP सिंह ने कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि तीनों शातिर चोरों द्वारा मेन रोड सड़क के किनारे बंद मकान को निशाना बनाया जाता है। योजना के तहत घटना से पहले न्यायिक अधिकारी के आवास की शशांक ने रेकी की थी, तभी रात के समय तीनों शातिर चोरों ने आवास के ताले को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आवास से चोरी की गई LED लैपटॉप और बूफर को बरामद कर लिया गया और साथ ही घटना में शामिल होंडा एक्सट्रीम मोटरसाइकिल, लोहे की फाली और एक चादर और पूर्व में झिंझाना से चोरी की गई 2,000 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर चालानी कार्रवाई करते हुए जेल रवाना कर दिया। देखिए, जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत कैराना शामली मार्ग पे एक जुडिशियल अफसर के आवास पे 16/17 की रात्रि में एक चोरी हुई थी, जिस 17 तारीख को उनके अर्दली द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना के उपरांत इमीडिएट थाना स्तर पर अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। टीमें लगाई गई थी हर स्तर पे, चाहे वो सर्विलांस की टीम हो, चाहे वो अन्य जो भी पुलिस के अपने माध्यम होते हैं, इसको लगा करके इसको अनावरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। रात्रि में कैराना पुलिस को एक सफलता मिली हुई है, जिसमें 3 चोरों की गिरफ्तारी की गई है।
चोरों से जो प्राथमिक स्तर पे विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा बात की गई है, बातचीत के माध्यम से उनके द्वारा दूसरे स्टेट में भी चोरी की बात स्वीकार की गई है। इसके अलावा इस जनपद के समीपवर्ती जनपदों में भी इनके द्वारा चोरी की गई है और कैराना थाना के अलावा अन्य जो थाना क्षेत्रों में भी कई चोरियों के विषय में इन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। उसके विषय में पता कराया जा रहा है कि वो चोरियों के जो पीड़ित लोग थे उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है, नहीं दी गई है, ये सब चीजें पुलिस स्तर से कार्रवाई में ले आई जाएगी। लखनऊ की खबर है जो कमारत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया। त्रिपुरेश्वरी मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान होने के साथ साथ उत्तर भारत में लड़कियों को शिक्षित करने वाले प्रसिद्ध संस्थानों में सर्वोपरि है, जिसका उद्देश्य सभी छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है। जस्टिस सैयद करामत हुसैन साहब ने लगभग 100 वर्ष पहले लखनऊ शहर में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था की थी। जी, मेरा नाम सैयद नावेद अहमद है, मैं मैनेजर करामत गर्ल्स पीजी कॉलेज का मैं मैनेजर हूँ और मैं मैनेजरशिप 2017 से मैं बना और पहले मेरे फादर सैयद शुएब अहमद साहब मैनेजर थे। उनकी डेथ 20 अगस्त 2020 को हुई, उसके बाद से फिर फुल फ्लेश कॉलेज में ही देख रहा हूँ। आज यहाँ जो फंक्शन हुआ, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।